हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज वनीकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी मकरंद का फिफ्थ चैप्टर लघु कथाएं। लघु कथाएं क्या होती है और लघु कथाओं के दो पार्ट है इसमें, जिसमें दूध का मूल्य एक प्रथम चरण है, प्रथम पार्ट है इसका, और शब्द और अनुभूति इसका सेकंड पार्ट है। तो हम देखेंगे दूध का मूल्य में क्या बताया गया है और शब्द और अनुभूति इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे लघु कथाएं होती क्या है। लघु कथाएं अर्थात लघु अर्थात होता है छोटा, लघु अर्थात होता है छोटा, कथाएं अर्थात कहानियां अर्थात छोटी कहानियां, लघु कथाओं को हम छोटी कहानियां कह सकते हैं। और लघु कथाएं जिसमें हम दूध का मूल्य और शब्द और अनुभूति हम पढ़ने वाले, ये संकलित है अर्थात इसे किसी पर्टिकुलर राइटर ने नहीं लिखा है, ये प्रकाशित की गई है बहुत से लोगों द्वारा। जब इसकी रचना की जाती है उसे हम संकलित कहते हैं। तो लघु कथाएं होती क्या है ये हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लघु कथाएं जो है ये बोर्ड परीक्षाओं में इसके कुछ प्रश्न उत्तर आएंगे, तो ये लगभग 4 से 5 अंक के पूछे जा सकते हैं, जिनमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, सही विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आदि आपसे पूछा जा सकता है। सो लघु कथाएं होती क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। लघु कथाएं हिंदी साहित्य की सबसे नई विधा है। लघु कथा जो है वो हिंदी साहित्य की सबसे नई विधा मानी जाती है। आजकल पाठकों को पढ़ने में यानी बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ने में उतना समय नहीं रहता है, तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लघु कथाओं का सबसे ज्यादा प्रचलन चल पड़ा है, जिनमें लघु कथाएं सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है और ये हमेशा पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती है। सो लघु कथाएं हिंदी साहित्य की सबसे नई विधा है, उभरती हुई विधा है। कहानी को बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है। लघु कथा में कहानियों को बहुत ही काफी कम शब्दों में उसे व्यक्त किया जाता है, बहुत ही कम शब्दों में उसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, जिससे उसका संपूर्ण मतलब, उसका संपूर्ण मीनिंग हमें पता चल जाता है। लघु कथा को हम कह सकते हैं गागर में सागर भर देने वाली विधा है, अर्थात ये ऐसी विधा है, ऐसी एक रचना है जो गागर में सागर भरने का काम करती है, अर्थात कम शब्दों में ज्यादा बातें व्यक्त कर देती है। आजकल का जो प्रचलन है वो पत्र पत्रिकाओं में ज्यादा प्रकाशित की जाती है, किसी भी मैगजीन में या सामाजिक पत्रों में इसका प्रयोग ज्यादा ज्यादा किया जा रहा है, ताकि यह पाठकों तक आसानी से पहुंच सके। और इसका शुरुआत जो है, इसका जो उद्भव हुआ है सन 1901 में माधवराव सप्रेन द्वारा एक लिखित लघु कथा एक टोकरी भर मिट्टी से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1901 में माधवराव सप्रेन की जो पहली जो लघु कथा आई थी एक टोकरी भर मिट्टी, वही से लघु कथाओं का उद्भव हुआ है, वही से उसकी शुरुआत हुई है। कुछ लघु कथाओं के कुछ उदाहरण है जैसे आपने पहले पढ़ी होंगी, जैसे हम कह सकते हैं कि जो दादी और नानी की जो कहानियां होती है वही लघु कथाएं है, शॉर्ट स्टोरीज है। जैसे कि आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की कहानियां जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, तो ये एक लघु कथाओं का एक प्रकार है। अकबर बिरबल की कहानियां आपने बचपन में पढ़ी होंगी, ये भी लघु कथाएं है। खरगोश और केचुए की कहानी, खरगोश और कछुए की जो कहानी है ये भी एक लघु कथा है। ऐसे ही आपने बंदर और मगरमच्छ की कहानियां सुनी होंगी, ये भी लघु कथाओं के कुछ उदाहरण है। स्टूडेंट्स, दूध का मूल्य एक असहाय बालक की कहानी है जो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी पढ़ाई को पूरी, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए वो छोटी मोटी वस्तुएं बेचता है। एक दिन भूख प्यास से और गर्मी से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे वो बैठकर यह सोचने लगता है कि अगर जीना है तो रोटी मांगकर खाना ही होगा। ऐसे में वो एक घर का दरवाजा खटखटाता है और घर का दरवाजा खटखटाती ही एक महिला जब उस घर के दरवाजा खोलती है तो पूछती है कि क्या है। तब वो बालक उस स्त्री को देखकर उसका आत्मसम्मान जाग उठता है और वह भोजन की जगह उसे एक गिलास पानी मांगता है, तो वो महिला उसे एक गिलास पानी देने की जगह एक गिलास दूध का भरा हुआ गिलास देती है। स्त्री को सामने देखकर उस बालक का आत्मसम्मान जाग उठा और उसने उस महिला से भोजन मांगने की जगह, रोटी मांगने की जगह एक गिलास पानी मांगा। इसके जवाब में महिला ने उससे एक गिलास पानी की जगह एक गिलास दूध का लाके दिया। बालक कृतज्ञता भरे भाव से उस दूध को उसने धीरे धीरे पिया और अंत में कहा कि मैं इस दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा। तो उसके जवाब में महिला ने कहा कि परोपकार से किए हुए भाव को, अर्थात सहृदय से किए गए कार्य की कीमत किसी प्रकार की कीमत की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स,
बहुत वर्षों बाद जब वो महिला बीमार होकर राजधानी के बड़े अस्पताल में पहुंची तो डॉक्टर के सामने उस रोगी महिला के कागजात लाए गए। जब डॉक्टर को उस रोगी महिला का शहर का नाम जब पता चला तब डॉक्टर समझ चुका था कि ये वही महिला है जिसने कुछ वर्षों पहले उसे एक गिलास पानी की जगह एक गिलास दूध दिया था। अर्थात वो डॉक्टर उस महिला के बारे में जान चुका था। तब जब वो महिला इलाज के बाद ठीक हुई तो उसके हाथों में एक लिफाफे से भरा हुआ बिल थमाया गया। महिला ये बिल को देखकर काफी घबरा गई। उसे लगा कि इसके इलाज में काफी खर्च हुआ होगा। जब वो लिफाफा खोलती है और लिफाफे में वो देखती है तो उसमें एक चिट्ठी मिलती है उसे। उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि आपके इस बिल का भुगतान कई वर्षों पहले हो चुका है। आपका दूध वाला बच्चा जो आज एक डॉक्टर है उसने इस बिल का भुगतान काफी वर्षों पहले आप इस भुगतान को कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, शब्द और अनुभूति जो लघु कथा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर पर आधारित है, इसलिए हम रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले हम जान लेते हैं। उनका व्यक्तित्व क्या था, उनका जीवन परिचय हम जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जो जन्म है 7 मई 1861 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इनका जो जन्म हुआ था। इन्हें गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी रचना की जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया उसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि नाम की रचना के लिए इन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना इन्होंने लिखा था और इसे भारत के संविधान द्वारा इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया है। और इनकी जो मृत्यु है वो 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात इनका निधन हो गया था। स्टूडेंट्स, शब्द और अनुभूति लघु कथा है रविन्द्रनाथ टैगोर पर आधारित है। रविन्द्रनाथ टैगोर यह जानने के लिए सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक पढ़ रहे थे कि सौंदर्य क्या है। आधी रात बीत जाने तक, काफी समय बीत जाने तक वे थक हार कर जब वे नहीं जान पाए कि सौंदर्य क्या चीज है, तब वे अपने कमरे की मोमबत्ती बुझा देते हैं। कमरे की मोमबत्ती बुझाते ही चांद की चांदनी से कमरे के भीतर दरवाजों और खिड़कियों से चांद की चांदनी जब भीतर प्रवेश करती है कमरे के, तब कमरे का वातावरण प्रकाशमय हो जाता है। जब रविन्द्रनाथ टैगोर उस कमरे की खिड़की से जब बाहर के वातावरण को देखते हैं तो मानो चांद उनसे कह रहा है कि मैं आपके ही आने का इंतजार कर रहा था। स्टूडेंट्स, इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर जब अपने कमरे से बाहर अपने घर की छत पर जाते हैं तो उन्हें ऐसा इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो उस चांद की चांदनी से नहा लिए हो, उस चांद की चांदनी की झील में उतर गए हो। उस प्राकृतिक दृश्य को देखकर वे उनके मुख से अकस्मात ही निकल पड़ता है कि यह है सौंदर्य। अर्थात जो सौंदर्य वो सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक में ढूंढ रहे होते हैं, जबकि जब वो अनुभव खुद करते हैं कि यही है सौंदर्य, जिस प्रकार वो चांद की चांदनी जो है उन्हें अनुभव कराती है कि सौंदर्य जो है ये शब्द मात्र नहीं है, ये तो अनुभव की वस्तु है, ये तो अनुभव से ही प्राप्त की जा सकती है। अर्थात अपनी मन स्थिति को बदल कर ही इसे प्राप्त किया जाता है। सौंदर्य जो है ये शब्द विशेष नहीं है, अर्थात ये अनुभव की चीज है, अनुभव की वस्तु है, इसे अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, लघु कथा है चैप्टर से बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, उनमें से पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूं। पहला प्रश्न है, रोगग्रस्त महिला को देखकर डॉक्टर की आंखों में चमक सी क्यों आ गई थी। ये 2 अंक के लिए हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि रोगग्रस्त महिला को देखकर डॉक्टर की आंखों में चमक सी क्यों आ गई थी। क्योंकि रोगग्रस्त महिला को देखकर डॉक्टर की आंखों में चमक इसलिए आ गई थी क्योंकि कुछ समय पहले जब वो छोटा बालक था, एक असहाय बालक था, तब जब वो भूख प्यास से व्याकुल था, तब उस महिला ने उसे एक गिलास पानी की जगह उसे एक गिलास दूध लाकर दिया था। इसलिए वो बालक जो अब डॉक्टर बन चुका है उसे लगा कि अब इस एक गिलास दूध का मूल्य चुकाने का सुअवसर उसे मिल चुका है, अर्थात उस दूध का मूल्य चुकाने का उसे अवसर मिला है। इसलिए रोगग्रस्त महिला को देखकर डॉक्टर की आंखों में चमक सी आ गई थी। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है लघु कथा चैप्टर से वो प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या जानने के लिए उत्सुक थे। ये भी 2 अंक के लिए पूछा जाता है।
रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक जब पढ़ रहे थे तब उन्हें यह जानने की उत्सुकता हुई कि सौंदर्य क्या है। तो वे सौंदर्य की वास्तविकता जानने के लिए ललायक थे, अर्थात वे सौंदर्य क्या है ये जानना चाहते थे। उन्हें ये सौंदर्य क्या है ये उन्हें अनुभव से प्राप्त हुआ। वो पहले समझते थे कि सौंदर्य एक शब्द है, परंतु जब उन्होंने खुद अनुभव किया कि सौंदर्य ये शब्द मात्र नहीं है, ये तो अनुभव की वस्तु है, अर्थात सौंदर्य को हम समझ सकते हैं अनुभव से, बिना हम अनुभव के सौंदर्य को हम समझ नहीं सकते। इसलिए वे ये जानने की उत्सुक थे कि सौंदर्य क्या है, इसलिए वो सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है जो 2 या 3 नंबर के लिए, लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी के लिए पूछा जा सकता है, वो प्रश्न है आपका, डॉक्टर ने महिला को पत्र में क्या लिखा था। अगर ये 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है तो आप सिंपल सा इसका आंसर दोगे कि डॉक्टर ने महिला को पत्र में लिखा कि बिल का भुगतान वर्षों पहले हो चुका है, 1 गिलास दूध, नीचे हस्ताक्षर थे, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। मात्र आप इतना आंसर देकर भी लघु उत्तरी प्रश्न को आप हल कर सकते हो 2 अंक के लिए अगर पूछा जाता है। अगर यही प्रश्न अगर 3 अंक के लिए पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है, तो आपको पूरी पूरी कहानी के हिसाब से लिखना होगा। जैसे कि सर्वप्रथम क्या होता है, जब वो बालक भूख प्यास से व्याकुल होकर एक घर में दस्तक देता है और वो उस घर का दरवाजा खटखटाता है, तब एक स्त्री उस घर के दरवाजे को खोलती है और पूछती है कि क्या है। तब उस बालक का, उस महिला को देखकर उस बालक का आत्मसम्मान जाग उठता है और आत्मसम्मान जाग उठते ही वो बालक उससे भोजन मांगने की जगह, रोटी मांगने की जगह उससे 1 गिलास पानी मांगता है। तो महिला भी समझ जाती है कि बालक को भूख लगी है, तो उसे 1 गिलास पानी की जगह उसे 1 गिलास दूध देती है। बच्चा जो कि असहाय बालक का भूख प्यास से व्याकुल था, वो आश्चर्यचकित हो उठता है और वो धीरे धीरे उस दूध को पीता है और उस महिला से प्रश्न करता है कि मैं इस दूध का मूल्य कैसे चुकाऊंगा। तो महिला उसका जवाब देते हुए कहती है कि सहृदय से या परोपकार से किए गए कार्य की कोई भी कीमत की अपेक्षा करना व्यर्थ है, अर्थात किसी प्रकार की कीमत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा वो महिला उस बालक को जवाब देती है। फिर कुछ समय बीत जाने पर जब वो महिला किसी बीमारी के सिलसिले में वो राजधानी के अस्पताल में जब वो पहुंचती है, तब डॉक्टर के सामने उसके जब कागजात आते हैं और उसके शहर का नाम पता चलता है, तो डॉक्टर समझ जाता है कि ये वही महिला है जिसने उसे बचपन में 1 गिलास दूध दिया था उसके संकट के समय में। तब वो महिला जब ठीक हो जाती है तो उसे जब बिल थमाया जाता है तो लिफाफे में लिखा होता है कि इस बिल का भुगतान वर्षों पहले हो चुका है, 1 गिलास दूध, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। तो आप इतना आंसर लिखेंगे इस प्रश्न का। स्टूडेंट्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लघु कथाएं चैप्टर से आपको पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षाओं में, कि मोमबत्ती बुझाने के बाद परिवेश में क्या परिवर्तन हुआ था। जब रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक पढ़ रहे थे और बहुत पढ़ने के बावजूद भी, काफी समय बीत जाने के बावजूद भी, जब आधी रात्रि हो चुकी थी, तब ये नहीं जान पाए थे कि सौंदर्य क्या है, तब वे मोमबत्ती बुझा देते हैं। तब उस समय उनके कमरे का जो वातावरण है, मोमबत्ती बुझाने के बाद जब मोमबत्ती जब बुझा देते तो चांद की जो चांदनी है उनके कमरे के खिड़की और दरवाजे से भीतर आती है और पूरा कमरा का जो वातावरण है वो प्रकाशमय हो उठता है, मानो चंद्रमा उनसे कह रहा हो कि मैं आप ही का ही इंतजार कर रहा हूं। तब मोमबत्ती बुझाने पर यह परिवर्तन होता है कि पूरा का पूरा जो कमरा है वो प्रकाशमय हो जाता है और अकस्मात ही रविन्द्रनाथ टैगोर के मुख से निकलता है कि यही है सौंदर्य। स्टूडेंट्स, लघु कथा पाठ का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक पढ़ रहे थे और ये जानने के लिए उत्सुक थे कि सौंदर्य क्या है। जब वो थक हार जाते हैं और बहुत पढ़ने के बावजूद भी उन्हें नहीं पता चलता कि सौंदर्य क्या है, तो वो अपने कमरे की मोमबत्ती बुझा देते हैं। कमरे की मोमबत्ती बुझाते ही चांद की चांदनी उनके कमरे के दरवाजे और खिड़कियों से प्रवेश करते हुए उनके कमरे के भीतर आती है, तो कमरे का जो वातावरण है वो ज्योतिर्मय हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। पूरा का पूरा वातावरण प्रकाशमय होने के कारण जब वे खिड़की से बाहर जब झांक कर देखते हैं, तब मानो चांद उनसे कहता है कि मैं आप ही को ही याद कर रहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो अपने घर के छत के ऊपर चले जाते हैं, तो एक ठंडी हवा का झोंका आता है और ठंडी हवा के झोंके से उन्हें ऐसा लगता है कि वो चंद्रमा की चांदनी में नहा लिए हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि वे चंद्रमा की झील में, चांदनी के झील में उतर गए हो
और उनके मुख से अकस्मात ही निकलता है कि यही है सौंदर्य। अर्थात वे समझ जाते हैं कि जो सौंदर्य है वो शब्द नहीं है, ये तो अनुभव की वस्तु है। ये अनुभव करने से ही पता चलता है कि सौंदर्य एक्चुअल में वास्तव में क्या चीज है। सो विद्यार्थियों, ये था हमारा फिफ्थ चैप्टर आपकी कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी मकरंद का फिफ्थ चैप्टर, पांचवा पार्ट लघु कथाएं, जिसके दो पार्ट थे। एक था पहला पार्ट जो कि एक असहाय बालक की कहानी थी, और दूसरा पार्ट जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर पर, पहली जो लघु कथा है वो है दूध का मूल्य, और दूसरी जो लघु कथा हमने जो पढ़ी वो है शब्द और अनुभवकारी के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए और भी अधिक वीडियो के लिए ग्रामर के और 12th कक्षा 12वीं के चैप्टर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विद्या स्थली वाले सर।